गाइस सो ये भाई की जो सक्सेसफुल स्टोरी है कनाडा तक पहुंचने का, उसका पार्ट टू है। और इस पार्ट टू में हम बात करेंगे टोटल खर्चे के हवाले से, टोटल खर्चे के हवाले से कि आपने इंडिया से निकलने से लेकर यहाँ तक आने तक जितना भी फीसेज, जो कोर्सेज, जो भी भरे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप खर्चा प्लीज बता दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि रियल में कितने पैसे लगते हैं और एजेंट्स जो दुकानें डाल के बैठे हैं वो हमारी आवाम को कितना लूटते हैं और कितना पैसा खाते हैं। तो सुने गाइस इनकी जबान। अच्छा भाई, खर्चा बोले तो कैसे रहते हैं बोले तो, हमारा एप्लीकेशन फी, इफ वी हैव एप्लीकेशन फी देन वी हैव टू पे। मेरा कॉलेज जो है इसका एप्लीकेशन फी है $49 पहले, वो $49 एंड देन आई हैव टू पे 25,000 इंडियन रुपीज़ फॉर सर्विस। 25,000 यानी पाकिस्तानी बात करें तो 70,000 रुपये। एंड वी हैव टू पे CGA फीस 12,600, वो भी इंडियन करेंसी, यानी 24,000 पाकिस्तानी कह लें या 36 कह लें। और वी हैव टू पे फॉर जो पेपर वर्क वगैरह होगा, पेपर वर्क वो यानी स्टैम्प्स वगैरह लगाते हैं जैसे अपनी डिग्रीज को अटेस्टेड करने के लिए कहीं पे भेजते हैं, वेस्ट सर्विस बोल के, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस जाते हैं उसमें बनाने के लिए। पहले हमारा तो जो यूनिवर्सिटी है उधर से करने के लिए 3,000 लेती है। ओके, $3,000 या ₹3,000 एंड एवैल्यूएशन पूरा होने के तक 8,000 का पूरा खर्च होता। ओके, 8,000 इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी 24,000 पे। तो आप ये लिस्ट लिखते जाइए, बाद में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने खर्चे होते हैं जो आप खुद छोटे छोटे करते हैं। उसके बाद फिर जो मेजर बात करूं, फिर आपने जो है सेमेस्टर फीस पे की होगी। या एंड कमिंग टू दैट, इफ आवर यूनिवर्सिटी इज नॉट आस्किंग डिपॉजिट, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। कोई कोई यूनिवर्सिटीज डिपॉजिट का मतलब मैं बता दूं, आपके पूरे 4 सेमेस्टर की या 6 सेमेस्टर की या 8 सेमेस्टर की पूरी फीस आपने पहले देनी है। वो जो आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी वो थोड़ी थोड़ी करके फीस काटेगी, बट कुछ जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो इस तरह नहीं करती हैं, वो आपको कहती हैं सिर्फ आप 1 सेमेस्टर की फीस दे दो। वी हैव टू लुक इन द गूगल एंड वी हैव टू फाइंड दैट यूनिवर्सिटीज। तो एंड कोई यूनिवर्सिटीज ने $200 लेते हैं, कोई यूनिवर्सिटी $2,000 लेते हैं, इतना भी फर्क रहता है, इतना फर्क है चीजों में, इतना फर्क है कि एक जो चीज है कोई आपको एक कंपनी जो है वो 200 में भी देगी, कोई जो यूनिवर्सिटी, सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, कोई यूनिवर्सिटी आपको 2,000 में भी देगी। बट आपको कंपैरिजन करना है विद योर नॉलेज, विद योर स्टडी, विद योर एजुकेशन, गूगल पे सर्च करके कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो ज्यादा वैल्यूएबल है कम से कम पैसों में, क्योंकि हम तो परदेसी है ना, हम लोग दूसरे कंट्री से यहाँ पे आते हैं। तो इसके अलावा और आप कुछ अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे, कोई टिप बोले तो, डोंट ट्रस्ट द एजेंट्स एनी टाइम, दे विल गेट अस हियर एंड दे विल लीव अस अलोन एंड वी डोंट हैव एनीवन हियर, नो वन हेल्प्स हियर। कोई भी आपकी मदद नहीं करता जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, जब आपके वहां पे कोई रिश्तेदार नहीं होते। आप यकीन करेंगे कि एक एक रुपए पे लोग इतना आपको मतलब गिराएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी मैं आपको आखिरी बात करना भूल गया, अगर मैं टिकट के हवाले से बात करूँ, ये तो आपने शायद 1-1.5 लाख के नॉर्मल खर्च बता दिए, तो आपको टिकट का क्या सीन था? मेरा टिकट का मैंने कनाडा को तो 3 महीने के बाद आ गया। 3 महीने के बाद आप कनाडा आए? ओके, 3 महीने के बाद आ गया। फिर मेरा टिकट का खर्च कैसा है बोले तो 1,15,000, 1,55,000। जब मैं आया था जी, मैं असल में मैं इटली गया हुआ था उन दिनों में, मैं इटली से जब आया था कनाडा तो मेरा को जो वहां से पड़ा था टिकट वो 2.5 लाख रुपए का था पाकिस्तानी। मगर कोई प्लेसेस, कोई वेबसाइट में स्काई स्कैनर बोल के रहता और वेबसाइट में हम चेक कर सकते हैं, उसमें भी कंपैरिजन मिल जाता है टिकट का। हाँ, बट मैंने तो अपने दोस्त जो है उसी ने पेमेंट की थी, मैं गरीब जो आदमी है लोकल पैसे नहीं चलता वो मुझे क्या। नहीं नहीं भाई, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स, वी हैव लाइक फॉल टर्म एंड स्प्रिंग टर्म। इन द फॉल टर्म यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट मोर स्टूडेंट्स, सही, एंड वीजा भी ज्यादा गिरेगा, ज्यादा मिलेगा, सही बात है। जो गौर से सुनो, इसलिए फॉल में टिकट का प्राइस ज्यादा रहता है, स्प्रिंग में कम रहता है और समर में ज्यादा कम रहते हैं। इसलिए हमारा दोस्त मेरे साथ वीजा अप्रूव हुआ, एक लड़की, उनको तो विद इन
she booked for after 10 days. She got the ticket for 49,000 in Indian rupees. Oh, good. Yeah, kaisa बहुत कम में मिला. बहुत सही. थोड़ा लोग तो 36,000 में भी आ जाते हैं. अच्छा. We have to look यानी हमें proper देखना पड़ता है और time देखना पड़ता है ना. कनेक्टिंग फ्लाइट्स एंड टाइम. ये तो मुझे मैंने जिंदगी में कभी कनेक्टिंग फ्लाइट ली नहीं है. मैं एक एयरपोर्ट पे उतर के अपनी मैं नहीं भाई ये नहीं होता मुझसे. मैं ज्यादा पैसे लगा लेता अपनी लाइफ में मेरा उसूल है मगर ये उतर के मैं नहीं कर सकता. मेरा 1,15,000 गिरा फिर भी मैं दो कनेक्टिंग फ्लाइट लिया. ओ शिट. हाँ मेरा आपको पता मैं डायरेक्ट आया हूँ. डायरेक्ट 16 घंटे की 11 घंटे की फ्लाइट थी उस टाइम. मेरा था लंदन में एक और शिकागो में एक. लंदन में सही नहीं मेरा तो डायरेक्ट ही था. चलें खैर गाइज अपना ख्याल रखें. ये अच्छी अच्छी बातें हैं. इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए. एक्चुअली आई एम सो सॉरी मैं बहुत